स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। इसी तरह आप अभी भी अपने आसपास सब चीज़ें देख रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा शरीर नींद में है, वो तो हम सब जानते हैं। आदमी जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। अच्छा, तीसरा शरीर कौन है? नींद में सूक्ष्म शरीर मिला, ये स्थूल है। तीसरा है कारण शरीर, वो कंसंट्रेशन का है। कैसा है? कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी बैठा है लेकिन कहीं खो गया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप जानते हैं कि इसकी बाकी शरीर क्रियाशील नहीं है, ये कहीं चला गया है। तो आप उसको कहते भी हैं झकझोर कर, भैया कहाँ हो? आपने ये क्यों कहा? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से आपने ये जान लिया कि आदमी यहाँ नहीं है, वो एकदम चौंक जाता है। क्या हुआ? वो उस शरीर द्वारा वहाँ चला गया था। इधर जो शरीर था बेसुध था उतनी देर, वो वर्तमान के वातावरण से परिचित नहीं था, जैसे झकझोरा वो रिटर्न आ गया ध्यान। चौथा शरीर है महाकारण शरीर। वो योगी लोग अपान समान उदान प्राण सर्वतन प्यान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय सबल, हम सब एक बात तो जानते हैं कि आत्मा शरीर का संचालन करती है, इतना तो हम जान रहे हैं। किस विधि से कर रही है ये नहीं पता है। अरे भाई, इस बल्ब में करंट आया, प्रकाश आया, इसको ऐसा ग्लास मिला, इसको ऐसा आइटम मिला, ये ग्लो करने लगा, बल्ब कहाँ से चल रहा है, करंट कहाँ से है, स्विच से, स्विच ऑफ किया डिसकनेक्ट हुआ, स्विच ऑन किया कनेक्टेड हुआ, स्विच में कहाँ से आया, ये लाइन कहीं उठ करके वहाँ पावर हाउस तक गई, वहाँ से आया, वहाँ से कहाँ से आया, वो खंबा लगाया, खंबों में कहाँ से आया, आप देख रहे हैं बड़े बड़े पायलून हैं, ग्रिड स्टेशन है, वहाँ से आया, वहाँ कहाँ से आया, वहाँ चाहे थर्मल पावर है चाहे सोलर एनर्जी है चाहे एटमिक पावर है चाहे पानी से जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, वहाँ बिजली बनी, उसका केंद्र वहाँ था। आपका हाथ यूँ हुआ, हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आ गई? ताकत, शरीर की ताकत है प्राण, प्राणों से शरीर चल रहा है। ये इंडा नाड़ी है, ये पिंगला है, मध्य में सुषुम्ना है, हम श्वास ले रहे हैं। श्वास कौन ले रहा है? आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आगे चक्र में आत्मा का आवास है, एक चेतन सत्ता श्वास लेने की क्रिया कर रही है, यूं आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए शरीर में 7 कमल हैं, बोल भी रहे हैं, वेदों में भी है। मूलाधार चक्र पर गणपति जी है, शिशिरेंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा है, 6 कमल नाभि में, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। हृदय में अनहद चक्र, 12 कमल शिव जी का वास है, कंठ में खोटेश कमल सरस्वती का वास है, आज्ञा चक्र में आत्मतत्व 2 कमल या आत्मा का वास है, और कपाट में सहस्त्र सार यहाँ पर मन निरंजन का वास है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। मूलाधार चक्र पर पूरा सिस्टम है, शिशिरेंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा क्या कर रहा है, वहीं स्पम ओम बन रहा है, उसी से ये मैथुन सृष्टि है, पूरी दुनिया चल रही है। ये काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं और उनका वास है शिशिरेंद्र पर। अच्छा, नाभि में विष्णु जी पालक है या पिंडे सब्रह्मण्य, विष्णु जी क्या काम कर रहे हैं? पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है, पूरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है रक्त है वो भोजन से बनता है। यहाँ नाभि चक्र में मणिपूरक चक्र में विष्णु जी है, पूरे शरीर को आंखों को भी ब्रेन को पूरी पूरी ताकत दे रहे हैं। इस तरह हृदय में शिव जी है, अहम अहंकार के देवता तमोगुणी, मैं हूँ ये अनुभूति वही दे रहे हैं।
इसी से फिर तमोगुणी कहलाता है, अज्ञान है इसमें, वहाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये सब कुछ है, इंडिविजुअलिटी, मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, ये काम शिव जी कर रहे हैं। कंठ में सरस्वती जी है, वो भी अपना काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो पूरे शब्दों का खोटे स्थल कमल 16 स्वर है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आपकी आवाज़ निकल रही है। मैंने कहा कहो का, आपने कहा का, मैं कहा बोलो ढा, तो आपने कहा ढा, हारमोनियम की तरह आप बटन दबाते जा रहे हैं, पता है। मैं कह रहा हूँ ना, इसी मुख से इतने अलग अलग जवाब निकले, देखो जैसे हारमोनियम में, एक मिनट हारमोनियम लाओ, उसमें है ना, पहले स्वर सिखाते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, सा रे ग म प ध नी सा। इस तरह आप जो अलग अलग शब्द निकाल रहे हैं, आप बटन दबा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, पर ये चलते चलते आपको अभ्यास हो गया। अब जो मध्यम लोग हैं, जिनका मध्यम कंठ है, वो यहाँ से चलते हैं, सा रे ग म प ध नी सा। अब जो महिलाएं गाती हैं, उनके लिए लास्ट में आते हैं, देखो यहाँ आवाज पसली, अब जो जानकार हैं, इस तरह आपने भाषा सीख ली, जानकार हैं, तो आपको जब भी कोई उच्चारण करना है, आप यहाँ 16 सरस्वती जी है, पूरे शब्दों का संयोजन कर रही है, आपके अंदर तीन मेमोरी है, एक तो आपकी स्थूल मेमोरी है और दूसरी सूक्ष्म है अंतःकरण की, तीसरी आत्मीय मेमोरी है, मनुष्य काया के बारे में नहीं जान पा रहा है। साहब कह रहे हैं शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए, कबीर काया था है बड़ा जाने भेद, और ये मैं 6 शरीरों पर आया। तो आपको मैंने एक बार जब कहा, ये गीत गाया, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा तू, क्या मुख लेके जाएगा। एक विद्वान ने कहा, अरे महाराज बकवास है, कौन सा लेगा, सब कुछ यही है, इतने लोग हैं, सबका सभी कर्म पल पल लिखा जा रहा है, तो धर्मराज के पास कितने एम्प्लॉयड हैं जो सबका काम लिखते जा रहे हैं, सही गलत लिखते जा रहे हैं, कौन से कारखाने से कागज आता है, इंक वहां कहां पहुंचती है। चलो पढ़े लिखे लोग कभी कभी कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते। मैंने कहा भाई आज मैं तुम्हें वो फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, कैसे लिखा जा रहा है प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, शाही कहां से आती है वो भी बताऊंगा, कागज किस फैक्ट्री से आते हैं वो भी दिखाऊंगा। बोला दिखाओ। मैंने कहा बात सुनो, तुम्हें अपने जीवन की सभी बातें याद हैं? बोला हाँ। कहाँ पढ़े याद है? बोले जी। बचपन में कहाँ खेले याद है? बोला हाँ। पूरे जीवन की घटनाएं याद है? बोला हाँ। क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया याद है? बोला हाँ। मैं कहा सुनो, इंसान ने तो मेमोरी कार्ड बनाए, हार्ड डिस्क बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, हर एक इंसान कोई 32 GB का है, कोई 64 GB का है, कोई 128 GB का है, कोई हाई GB का है। तो मैंने कहा हर एक के अंदर मेमोरी कार्ड फिट है, वहाँ यमराज धर्मराज ये थोड़ी बताते हैं कि तूने तमाचा मारा या नहीं, गवाही लाओ, गवाह बदल जाते हैं, वहाँ एक्शन रिप्ले में तुम्हें दिखा देंगे कि तुमने तमाचा मारा, वहाँ गवाही की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान के इस ब्रेन में 2 खरब कोशिकाएं हैं, मैं पूरे विश्व में घूमता रहता हूं, 2 खरब कोशिकाएं हैं, एक कोशिका में 2 बात याद रखने की ताकत है, ये तो वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं,
इसका मतलब है आदमी चार खरब का मतलब है 4 trillion, 100 lakh का 1 crore, 100 crore का 1 arab, 100 arab का 1 kharab, इतनी बातें याद रख सकते हैं आप डिलीट भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, बाद आप सेव भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं भाई, किसी से मनमुटाव हो गया तो आप उससे बातचीत नहीं करते, उससे नाराज हैं, थोड़े समय बाद वो आदमी महसूस कर लेता है कि मैंने इनके साथ अन्याय किया, आपसे माफ़ी मांगता है, कहते हैं भैया वो पुरानी बात दिल से निकाल दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप वो दिल से निकाल लेते हैं, इसका मतलब है डिलीट करना जान रहे हो, पूरा काम हो रहा है लेकिन पता ही नहीं है। इंसान तो कैसा है, एक बहू ने कहा अपनी सास को, वो कंसीव किया हुआ था, बोला माताजी जब मैं बच्चे को जन्म दूँ मुझे जगाना। माताजी ने कहा बेटे तू मत घबरा, तू खुद सबको जगा देगी। तो इंसान इस काया में रह रहे हैं, इसको पता ही नहीं है इस काया का, इस काया को खोज ना पाए। तो वो मेमोरी कार्ड जब इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, विज्ञान ने ऐसी, तो वो जो सब चीज़ों का रचना करने वाला होगा, पावर होगा कि नहीं होगा उसके पास, भाई हमारा ब्रेन उसी की ताकत से काम कर रहा है। अभी तो वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं आपके ब्रेन में उठने वाले विचार ब्रेन के नहीं हैं, कहीं से प्रेषित किए जा रहे हैं। मैं अमेरिका में था तो वहाँ बताया, मेरा एक ड्राइवर था, काफ़ी एक्सपर्ट था, उसने कहा गुरुजी आजकल वैज्ञानिक इंसान को अमर बना रहे हैं। मैं बोला हाँ, पहले तो वैज्ञानिक हार गए, उन्होंने क्या किया, सेल को बोला सेव करो, सेल ही तो है पूरी बॉडी, उनको मजबूत किया, टूटे ही नहीं, वैज्ञानिक खुश हो गए, आदमी यंग रहेगा हमेशा। लेकिन 5 साल बाद उन सबको कैंसर हो गया, वैज्ञानिक डर गए। इसका मतलब है सेल बनना चाहिए, सेल टूटना चाहिए, सेल की लाइफ ज़्यादा नहीं है, उन्होंने फिर बंद कर दिया। आजकल बताया कहाँ शोध हो रहा है, बोला आम आदमी को अमर करके दिखाएंगे। अभी वो क्या कर रहे हैं, साइंस काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी साइंस वहाँ नहीं पहुँच सकती है जहाँ महापुरुष पहुँचे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, बोला आदमी को अमर करेंगे। कैसे अमर करेंगे भाई, कल्पेश बॉडी छोड़ दिया, अब कल्पेश की मेमोरी को वो डाउनलोड कर देंगे। कल्पेश कहेगा मैं आगे भी जीना चाहता हूँ, मेरा ये शरीर खत्म हो चुका है, मुझे आगे जीना है, कहें कोई बात नहीं। आजकल मेमोरी ट्रांसप्लांट होगी, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, सबसे आसान है किडनी ट्रांसप्लांट, आई ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, अभी वो हार्ट को भी ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया सुनिए। अभी उन्होंने क्या किया, ये यंग लड़का है, इसको कहेंगे तुम अपनी बॉडी में कल्पेश को की मेमोरी इंसेक्ट करने दो, तुम 50 लाख ले लो। ये आ जाएगा, कहेगा पैसा मिल रहा है, गरीब हुए, इसकी मेमोरी डिलीट पूरी निकाल दी जाएगी। आपकी तो ऑपरेशन में भी मेमोरी सीज की जाती, कल्पेश की मेमोरी इसमें डाल देंगे, इसकी मेमोरी डिलीट कर दी, अब बॉडी होगी अरविंद की और मेमोरी होगी पूरी कल्पेश की। मेमोरी तो सब कुछ है ना, मेरी माँ है, मैं इधर का रहने वाला हूँ, मैं उधर का कर। मैंने कहा ये कौन सा मंडल है, ये तो पहले भी था। मैं बोला विज्ञान अभी अध्यात्म से करोड़ों मील पीछे है, बहुत पीछे है। मैं बोला ये कौन सी बड़ी बात है, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मैंने लोगों से पूछा भाई इसका ये उपमा क्यों दी गई, इसका जवाब नहीं मिलता है। आओ मैं आपको बताता हूँ क्या रहस्य था। राजा भोज अध्यात्मवादी था, कहो तो मैं शास्त्रों में दिखा दूंगा। वो 16वीं कला सीख रहा था जिसमें अपने आत्मा को निकालकर किसी में भी प्रवेश कर ले,
जब ये किसी योगी से ये कला सीख रहा था तो गंगू तेली भी कुटिया के बाहर सुनता था। इस तरह राजा भोज को 6 महीने लग गए, वो अपनी आत्मा किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना सीख गया पूरा। उतना ही गंगू तेली पीछे बैठकर सीख लिया। राजा भोज जब वहां से सीख के निकला, उसने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करते हैं। एक सड़ेली मरा हुआ तोता दिखा उन्हें। राजा भोज ने अपनी पूरी ऊर्जा अपने को उसमें ट्रांसमिट कर दिया। इतने में गंगू तेली क्या गया, राजा भोज वाली बॉडी में घुस गया। राजा भोज ने कहा यह तो बड़ी मुसीबत होगी, मेरी बॉडी में ये पहुंच गया, अब उड़ गया बोलो, बोला ये तो मार देगा। उधर राजा भोज आया, राजा भोज और गंगू तेली, बॉडी तो राजा भोज की थी, था गंगू तेली, आकर शासन करने लगा। लेकिन उसकी कुछ क्रियाओं से ये जजमेंट हुई कि ये थोड़ी गड़बड़ है, कुछ इसका स्वभाव कुछ अलग है। इतने में जो तोता था, तोता बनाम राजा भोज, वो अपने मंत्री को आकर बोला मैं 16वीं कला जब सीखा था तो मैं एक्सपेरिमेंटल के लिए तोते की बॉडी में गया और ये मेरे शरीर में घुसा है, ये राजा भोज नहीं है, मैं हूँ। बोला हाँ, तो अब सुपर सालारों को भी शक हुआ ये वो नहीं है। तो राजा भोज ने कहा इसको कैसे फंसाओ, इसको बोलो कि राजा भोज के पास 16वीं कला थी, मरे हुए में घुस जाता था शरीर को चैतन्य, तू भी करके दिखा तब मानेंगे तू है। राज गंगू तेली झांसे में आ गया, बोला ठीक है। एक बकरा ले आए, बकरे का गला घोट के मार डाला, गंगू तेली बकरे में घुस गया। इतने में राजा जो तोता था वो राजा भोज हो गया। यानी ये ट्रांसप्लांट सिस्टम पहले से भी चल रहा है कि नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप किसी में भी समझ सकते हैं, पर आप इसको, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई नहीं मरा है दुनिया में, सिर्फ शरीर मर जाता है, आत्मा कभी मरी नहीं है। कोई भूत बन जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, ये तो हम पढ़ रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, मंडन मिश्र बहुत बड़ा विद्वान था, वो शंकराचार्य से हार गया संवाद में, शंकराचार्य ने उसको पराजित कर दिया। मंडन मिश्र बहुत दुखी हो गया, जब वापस आया तो उतरा हुआ चेहरा था। पंडितैन ने पूछा क्या बात है, वो भी बड़ी ज्ञानी थी, बोला आज मंडन मिश्र ने ज्ञान संवाद में मुझे पराजित कर दिया। बोला घबराओ नहीं, मैं उसकी खबर लेके आती हूँ। ये पुराणों में ही कथा मिलती है, दिव्य दृष्टि भी आपके पास है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगल। अजी ठीक है, वो गई पंडितैनी, बोला ये मैथुन सृष्टि है, हे शंकराचार्य मैथुन क्रिया के आनंद का उल्लेख करो कुछ। वो बाल ब्रह्मचारी था, नहीं जानता था। बोला वो देवी मुझे इसका ज्ञान नहीं, मुझे समय दो 6 महीने का, मैं तुम्हें फिर। और शंकराचार्य उस बॉडी से नहीं सेक्स करना चाह रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, राजा अमरु शरीर छोड़ने वाला था, शंकराचार्य ने अपनी ये बॉडी छोड़ी, तेल में रखी, अपने शिष्यों को बोला मैं 6 महीने बाद लौट के आऊंगा। तेल प्रजल बैठे हैं, बहुत अच्छा, आम काटो थोड़ी देर में सड़ जाएगा ना, तेल में रखते हैं तो नहीं सड़ता है। गोभी का अचार आपने देखा होगा, कई और अचार देखे होंगे, गाजर का अचार देखा, गाजर काट के रखो थोड़ी देर में खत्म। तेल प्रिजर्वेटिव है सरसों का तेल। उसने अपनी वो बॉडी मान छोड़ी और अपनी एक अंतवाग शरीर निकाला, मैं कितने प्रमाण दूंगा इसके। राजा अमरु शरीर छोड़ने वाला था, उसके अंदर घुस गया,